नमस्कार जोहार, मैं हूँ पलटू महतो और आप देख रहे हैं झारखंड प्लस यूट्यूब पर पलटू ऑफिशियल पर। जी हाँ दोस्तों, अभी तमाम झारखंड में एक मुद्दा चला हुआ है 60-40 ना चलतो। इसी बीच तमाम झारखंड के विधायक और एमएलए एमपी को ज्ञापन के रूप में सौंपा जा रहा है स्टूडेंट की तरफ से कि 60-40 नियोजन नीति ना चलतो, इसमें आप समर्थन दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। इसी बीच झारखंड के तमाम युवा और छात्र और जेएसएससीयू के टीम चक्रधरपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री सुखराम उरांव जी से मिले और मिलने के बाद क्या कुछ आश्वासन दिए, क्या कुछ पॉजिटिव व्यू निकल के आया है, इसको जानने की कोशिश करेंगे, आपको दिखाने का कोशिश करेंगे। हालांकि वो लिखित तौर पर क्या कुछ ज्ञापन दिए कि हाँ हम 60-40 नियोजन नीति का समर्थन नहीं करेंगे और स्टूडेंट का साथ देंगे। तो इसी बीच तमाम झारखंड के विधायक और संसद से मिल रहे हैं, जेएसएससी की टीम मिल रहे हैं और छात्र नेता मिल रहे हैं। तो इसी बीच जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ बातें उठ रही हैं और तमाम झारखंड के विधायक और एमएलए एमपी को ज्ञापन के रूप में सौंपा जा रहा है और झारखंडी स्टूडेंट अपने हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इसी बीच जानने की कोशिश करेंगे जो सुखराम उरांव जी है, इनसे क्या कुछ बातें आईं और स्टूडेंट क्या कुछ पॉजिटिव व्यू को समझाएं जो विधायक हैं, तो जानने की कोशिश करेंगे, देखने की कोशिश करेंगे क्या कुछ बातें आई हैं। चलिए मिलते हैं, देखते हैं। जोहार नमस्कार। हमने जिस मकसद से जो झारखंडी जनमावला का ख्याल रखने वाली पार्टी को, जन जन जमीन की बात करने वाली पार्टी को सत्ता में लाया, और चूंकि ये उनके शपथ पत्र भी आश्वस्त था, खद्यान्न आधारित मैं 1932 को छोड़ भी देता हूँ, तो अंतिम सर्वे सेटलमेंट जो यहाँ उल्लेख है स्पष्ट हर जिला का, उसके आधार पर नियोजन में अवसर होना चाहिए, यहाँ के आसान नेता तय होनी चाहिए या नियोजन में खासकर अवसर को मिलना चाहिए, उसी आसान नेता का जो नहीं हो पाया। और ये 60-40 का जो रेशियो, इसलिए जहाँ ऐसा नियोजन करते हैं थर्ड फोर्थ ग्रेड की नौकरियों के लिए, यहाँ का आसान युवाओं को, और भाषा संस्कृति का बैरियर डाला जाए। अन्य राज्य में उड़ीसा में जाइएगा, वहाँ सातवीं क्लास पास या कोई भी आप किसी भी राज्य से रहे, उड़िया भाषा आपका नाम है और उसका परीक्षा आपको देना पड़ेगा कि यहाँ जाती है, क्रमांक संख्या भरेगा तो स्पष्ट हो जाएगा कि वो यहाँ का स्थान है। आपको आश्चर्य होगा कि स्पष्ट लिखा जाता है जब झारखंड नियोजन होता है कि भारत के उम्मीदवार इस फॉर्म को भर, भारत इतना बड़ा राज्य है और इसलिए जेई का पेपर लीक मामला हो या जितना भी सारा अन्य राज्यों से लीक मिलता है, वो प्रक्रिया नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण ही नहीं हो पाता, चाहे जेपीएससी का हो या बाकी जितना भी परीक्षाएं होती है जैसे सी द्वारा भी निर्धारित, क्योंकि लाखों की तादाद में फॉर्म पड़ते हैं और सीबीटी